साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, और बाकी ये यूएई का नहीं भाई, ये तो ऑल ओवर कंट्री, आप कहीं पर भी चले जाएं सोशल मीडिया से रिलेटेड बात करूंगा। अभी यूएई ने एक सर्कुलर बनाया, आपको पता ही होगा, अब नहीं पता है तो मैं बता देता हूं भाई। सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर आप गलत कुछ कर देते हो जानबूझ के भी, या ये लगभग जानबूझ के होता है, इससे रिलेटेड हम पूरी बात बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि फेसबुक पेज वाले फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। अभी एक न्यूज चल रहा है यूएई में, एक आपने सुना होगा, एक सोशल मीडिया पे एक वायरल कुछ मैसेज हो जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज वायरल हो रहा था सऊदी यूएई में, दुबई में फिर से लॉकडाउन लगेगा। व्हाट्सएप पे लोग शेयर कर रहे थे, फेसबुक पे लोग शेयर कर रहे थे, शोरूम बंद हो जाएंगे, लॉकडाउन लग जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसी मार्मिक न्यूजें सरकार की निगेटिविटी लोगों को एक दूसरे के लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ लोग कुछ एक लोग ये सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट कर देते हैं, फेक न्यूज़ बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि उसको बिना सोचे समझे पढ़े लिखे उसको शेयर कर देते हैं। इसीलिए व्हाट्सएप ने, आपको पता है, COVID-19 के दौरान आपने देखा होगा, पहले तो 5 का था कि भाई पहले तो आप 250 लोगों के एक साथ मैसेज शेयर कर दे सकते थे, उसके बाद में 5 कर दिया, उसके बाद में 1 कर दिया, ऐसे कुछ हुआ था कि भाई फर्जी खबरों को रोकना, इसीलिए कि भाई एक साथ आप 5 लोगों से ज़्यादा किसी न्यूज़ को शेयर नहीं कर सकते, यानी फर्जी लोगों को न्यूज़ को रोकने उनका एकमात्र उद्देश्य था। तो यूएई सरकार ने इसे देखते हुए कानून पास किया है। मैं बता दूं आपको, दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन यूएई कानून अनुच्छेद 198 के अनुसार अगर आप फर्जी न्यूज चलाते हुए पाए जाते हैं आपके व्हाट्सएप से, आपके फेसबुक से, जितने भी सोशल मीडिया हैं, और अगर वो सरकार की निगरानी में आ जाता है, पुलिस कंप्लेन हो जाती है, तो सीधा सीधा 1 साल का आपका जेल का प्रावधान हो जाता है। जी हाँ, और भाई सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि ऑन द स्पॉट ऑनलाइन हम अगले को एविडेंस दे रहे हैं। लोग 302 लोग मर्डर कर देते हैं लेकिन उसका एविडेंस नहीं होता, वो पुलिस छानबीन करना, वो लंबा प्रोसेस चला जाता है। हम सोशल मीडिया पे अपनी बातें शेयर करते हैं, इसका मतलब ऑनलाइन अपन सबूत दे रहे हैं, तो उसमें ये बात सोचने की, विचारने की या जरूरत ही नहीं पड़ती है कि भाई ये इसने बोला कि नहीं बोला, इसमें सच्चाई क्या है, ये झूठ बोला या झूठ लोगों ने फैलाया। ये तो श्योर है कि हमने फैलाया तो जुर्माना सजा हमें भोगनी पड़ेगी, 1 साल का सीधा सीधा जेल होगा यूएई के अकॉर्डिंग, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि मैं बता दूं, फर्जी सरकार का ये मानना है कि फर्जी न्यूज न सिर्फ सरकार की निगेटिविटी आती है, लोगों में भय का माहौल भी बन जाता है। अभी बोला यूएई में दोबारा लॉकडाउन लगेगा तो लोगों में भय बनता है, लोग फिर पता नहीं आगे आगे कि क्या सोचते हैं, कितनी निगेटिविटी आती है, हो सकता है किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए ये फर्जी न्यूज सुन सुन। कोरोना से रिलेटेड भी बहुत सारी फर्जी न्यूज फैलाई गई, आप सबको पता ही है, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में पर्सनल टिप्पणी करना, उसकी सोशल मीडिया पे फोटो वायरल करना, या फिर उसके खिलाफ गलत बातें बोलना, तो ये सब सोशल मीडिया एक्ट में आते हैं। और भाई इसमें सीधा सीधा यूएई सरकार में 1 साल का जुर्म, 1 साल की सजा तय की गई है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कोई फालतू न्यूज आपको पास आती है तो उसको देखें, सोचे समझे आपको लगता है कि ये न्यूज सही है तो आगे शेयर करें, वरना शेयर न करें भाई, आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि इन चीजों से भय पैदा होता है, लोगों में अशांति का वातावरण होता है, सरकार के प्रति, देश के प्रति भी एक नेगेटिविटी भय पैदा करता है। तो इसीलिए सरकार ने ये ऑप्शन रखा है। आप वीडियो मेरे हिसाब से आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, हालांकि ये न्यूज 10 से 15 दिन पुरानी है, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं डाल पाया था ये वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा के रखें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।